अमल कुरान मजीद की तिलावत रोज़ाना करना, एक पारा पढ़े तो बहुत अच्छा, मुश्किल हो तो आधा पारा सही, और मुश्किल हो तो एक पाओ सही, और मुश्किल हो तो एक रकू सही, एक सफ़ा सही। मगर ये कमिटमेंट करे कि मैं रात को उस वक्त तक नहीं सोऊंगा जब तक कि अल्लाह का कुरान खोलकर एक सफ़ा पढ़ नहीं लूँगा। अगर कोई बंदा कहे जी कि मुझे तो कुरान पाक आता ही नहीं, पढ़ा ही नहीं, तो मैं क्या करूं? उलमा ने लिखा है कि जिसको कुरान पाक पढ़ना नहीं आता वो भी वुज़ू करके कुरान मजीद खोले और कुरान मजीद की आयात के ऊपर अपनी उंगली फेरता चला जाए और सिर्फ अल्लाह 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 ज़बान से पढ़ता जाए, पूरे सफ़े पर उंगली फेर लेगा, अल्लाह इसके बदले उसको तिलावत का अजर अता फरमा देंगे। मगर हर दिन में तिलावत होनी चाहिए। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया तबर्रक बिल कुरान फइन्नहु कलामुल्लाह, अल्लाह के कुरान से बरकत हासिल करो, ये अल्लाह का कलाम है। ये इतना बाबरकत कलामुल्लाह हमारे घर में मौजूद है और हम कई कई दिन कुरान पाक को खोलते ही नहीं। कितनी अजीब बात है, बाद लोग ऐसे हैं जो डेली अखबार पढ़ते हैं। भई हम कुरान मजीद को अखबार के मुताबिक तो दर्जा दे ही दे, अगर हम कुरान मजीद खोलते ही नहीं तो हमने तो गोया अखबार का दर्जा भी ना दिया कुरान मजीद को।